गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जिसने अपने जीवन में तप किया उसका गृहस्थ जीवन पवित्र और मंगलमय होगा, और जिसने गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जीवन में तप नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, साधना नहीं की, ईश्वर की आराधना नहीं की, उसका गृहस्थ जीवन भी भोगमय और नरकमय बन जाता है। उसका गृहस्थ जीवन मंगलमय नहीं होता। इसलिए गृहस्थ जीवन को अगर मंगलमय बनाना है तो गृहस्थ में जाने के पहले जो काल है उस काल में तप करो, साधना करो, उपासना करो। साधना, उपासना और तप से जब हम पवित्रता को प्राप्त कर लेंगे, धन्यता को प्राप्त कर लेंगे, तब गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश होगा तो वह गृहस्थ जीवन दिव्य और मंगलमय हो। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया, भगवान आए। महर्षि कर्दम ने कहा आप कृपा करो हमारा ब्याह हो जाए। नमाम्य भीक्ष्णम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसी काम वर्षम। हे भगवान, आप तो कामनाओं की वर्षा करने वाले मेघ हो, मेरी भी कामना को आप पूर्ण करो। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम मे पुरैव समयोजित। तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले ही जान गया और मैंने सारी योजना बना दी है। महर्षि कर्दम ने कहा क्या योजना आपने बनाई? तो भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं अपनी कुटिया में बैठे रहो। बस परसों श्री मनुजी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और यहीं कन्यादान करेंगे और यहीं घर बैठे ब्याह हो जाएगा। भगवान ने सब बता दिया। भगवान ने कहा कि आयास्यसि दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म को विदः। परस्व माने परसों, कल छोड़ करके परसों ही मनु जी आएंगे और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाएगा। और जाते जाते भगवान ने कहा कि विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी और उसके बाद 10वीं संतान के रूप में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और तुम्हारे पुत्र के रूप में आकर के मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेश्ये तत्व संहिताम। ये सब बता करके भगवान विदा हो गए। कैसे विदा हो गए भगवान? बोले अपने गरुण पर बैठ करके भगवान मुस्कुराते हुए जाने लगे। श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि निरीक्षित तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्गः। श्री कर्दम महर्षि देख रहे हैं भगवान अपने गरुण पर बैठे, गरुण जी भगवान को लेकर के उड़े और गरुण जी जब भगवान को लेकर के उड़े तो गरुण जी के पंखों से सामवेद के मंत्र प्रकट होने लगे। आकर नयन पत्र रथेन्द्र पक्षैः उच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। गरुण जी महाराज के पंखों से उच्चरित होने वाले सामवेद के मंत्रों को सुनते हुए भगवान मुस्कुराते हुए विदा हो गए। भगवान जब चले गए, महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। 2 दिन बीता, स्वयंभू मनु और सतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। इधर देवर्षि नारद के द्वारा महर्षि कर्दम की महिमा को सुनकर के देवहूति ने महर्षि कर्दम को ही अपना प्रियतम मान लिया था करके महाराज मनु चले गए। महर्षि कर्दम ने देवहूति का पाणि ग्रहण किया, अग्नि स्थापन करके विधिपूर्वक होमादि कर्म को संपन्न करके वैदिक विधि पूर्ण की और अपनी पत्नी देवहूति के साथ अपने आश्रम में रहने लगे और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि धर्म है और गृहस्थ जीवन में रहकर
यज्ञ यागादि कर्म को करना, यही गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये गृहस्थ तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तीनों आश्रमों की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम से ही होती है और तीनों का पोषण भी गृहस्थ आश्रम से ही होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। गृहस्थ आश्रम न हो तो कोई आश्रम नहीं रहेगा, सबका मूल गृहस्थ है। और गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जितने वेदों में वर्णित यज्ञ यागादि धर्म हैं उन सारे धर्मों का अधिकार गृहस्थ को ही है। और गृहस्थ का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि विवाह कर लिया तो हम गृहस्थ हो गए। विवाह करने के बाद किन किन धर्मों का, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सारे नियमों का वो पालन करे तब वो गृहस्थ है। जैसे कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले और हाथ में दंड ले ले तो बस इतने से वो सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी के जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों का वो पालन करे तब सन्यासी। उसी प्रकार केवल विवाह मात्र से कोई गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ का जो धर्म है उन धर्मों का पालन करता है तब गृहस्थ हो। और गृहस्थ का धर्म कितना है? बोले गृहस्थ का धर्म है कि गृहस्थ में रहकर वो नित्य औपासन होम करे, अग्निहोत्र करे, महीने की दोनों प्रतिपदा तिथि को दर्श और पूर्णमास नाम का यज्ञ करे, महीने की दोनों प्रतिपदा तिथि को पक्षादि कर्म करे, अमावस्या को पिंड पित्र यज्ञ करे, वर्ष में एक बार चातुर्मास यज्ञ करे। ये चातुर्मास से जो गृहस्थ का होता है वो अलग है, सन्यासियों का अलग है। और वर्ष में एक बार आयन के परिवर्तन पर पशुज्ञा करे, पशुज्ञाम संवत्सरे संवत्सरे प्राविशी, महर्षि कात्यायन कहते प्रति संवत्सर में पशुज्ञा करे। और सोमश्चैके संभव हो तो सोमयाग भी करे प्रतिवर्ष। और इसके अलावा पंच महायज्ञ और जो नित्य कर्म हैं संध्या वंदन तर्पणादि अतिथि पूजनादि, उन सारे कर्मों को करे। ये सब धर्म करते हुए जो जीवन व्यतीत करे वो गृहस्थ। और खाली ब्याह कर लिया और लुगाई को लेकर के दिल्ली और बंबई घूमते रहे, बोले हम गृहस्थ? बोले गृहस्थ का धर्म होता है, उस धर्म का पालन करे तब वो गृहस्थ। और दूसरी विडंबना देखो, उन धर्मों का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब पत्नी साथ में रहे। इसीलिए पत्नी की अनिवार्यता होती, इसीलिए पत्नी को हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा जाता। केवल पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी का मतलब धर्माय पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी है, जिस पत्नी के साथ हमें धर्माचरण करना है। और जिन जिन धर्मों का मैंने वर्णन किया उन सारे धर्मों का पालन बिना पत्नी के नहीं हो सकता। उन उन धर्मों में पत्नी की जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पत्नी का होना अनिवार्य होता है, बिना पत्नी के उन सारे धर्मों का पालन नहीं होता। इसीलिए महर्षि कर्दम ने कहा, समान शीलाम गृहमेध धेनुम, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मेरे धर्म में सहयोगिनी बने, क्योंकि उन धर्मों में पत्नी की अनिवार्यता है और बिना पत्नी के उन धर्मों को मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि मुझे धर्मशीला पत्नी प्राप्त हो। अब तो महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ इन सारे धर्मों में लग गए। और पत्नी क्या करती? बोले पत्नी देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करती, उनके धर्म कार्य में सहयोग करती। उनको अग्निहोत्र करना हो तो यज्ञ मंडप को लीप करके शुद्ध करके अग्नि को प्रज्वलित कर देती,
हवन सामग्री रख देती, पूजन की सामग्री रख देती, जलपात्र रख देती और स्वयं आकर के उनके दाहिने भाग में विराजमान हो जाती। फिर महर्षि कर्दम संकल्प करते और अपने अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करते। इस प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगे। किस प्रकार सेवा करती हैं? श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवं प्रभुम। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी, साध्वी माने देवहूति को साध्वी कहा। साध्वी देवहूति अपने माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति की सेवा में लग गई। जो स्त्री पति परायणा होती है उसी स्त्री को साध्वी कहा जाता है। लेकिन आजकल साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो अविवाहिता होकर सन्यासिनी बनकर के घूम रही हो। स्त्री को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि अगर देखी जाए तो पुरुष के लिए तो संन्यास का विधान है। पुरुष अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता तो संन्यास ले ले और विरक्त होकर भगवान का भजन करे, लेकिन स्त्री के लिए तो विवाह अनिवार्य है। विवाह होने पर ही स्त्री के संस्कारों की पूर्णता होती है। श्री मनु जी महाराज ने कहा वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। विवाह संस्कार ही स्त्री का वैदिक संस्कार है। और पति सेवा गुरौ वास, पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, और घर में रहकर पति के साथ धर्म का पालन करना यही नारी का परम यज्ञ है। और ऐसी नारी जो होती है उसी को साध्वी कहा जाता है। देवहूति को श्री मैत्रेय जी महाराज साध्वी कहते हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवं प्रभुम। प्रीतिपूर्वक देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। किस प्रकार? बोले जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती। भवानी व भवं प्रभुम, अपने पति के मनोभाव को समझकर पतिमिंगित को विदा, महर्षि कर्दम को बताना नहीं पड़ता कि तुम ऐसा करो, उनके मनोभाव को समझ लेती। जो नारी अपने पति के मनोभाव को समझकर तदनुकूल सेवा करे वही उत्तम सेवा मानी जाती। कहने पर करे तो मध्यम है और भय के कारण करे तो अधम है, और बिना कहे जानकर अपनी प्रसन्नता से पति के अनुकूल सारे कार्यों को कर दे वो उत्तम सेवा। देवहूति इस प्रकार पतिमिंगित को विदा अपने पति के इशारे को, इंगित को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर उनकी शुश्रूषा में लगी रहती। वर्षों बीत गए और महर्षि कर्दम इसी प्रकार यज्ञ हवन पूजा पाठ करते रहे। देवहूति वृद्धा हो गई। एक दिन महर्षि कर्दम ने देखा देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया। महर्षि कर्दम ने पूछा देवी आपने मेरी इतनी सेवा की और कभी मैं आपसे ये नहीं पूछ सका कि आपकी कोई आवश्यकता है, कोई इच्छा है। हे देवी आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए।
तो देवहूति ने अपने पति करदम से कहा, हे नाथ, आपके चरणों का आश्रय मिला, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, और आप अगर प्रसन्न हैं मेरी सेवा से तो आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो। यस्ते भ्यदायि समयः सकृदंग संग भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनां। देवहूति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी आप कृपा करो, क्योंकि मैंने सुना है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कन्या हो, उसे पिता का संरक्षण प्राप्त हो, युवावस्था में पति का संरक्षण और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में उसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक मैं कन्या थी तब तक मेरे पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था, और युवावस्था में मैं आपके चरणों में आई, अब वृद्धावस्था में मैं अपने पुत्र के आश्रित रहकर अपने जीवन को व्यतीत करूं, आप ऐसी कृपा करो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं, सेवा करने वाली दासियां थीं। उन दासियों ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, देवहूति युवती हो गई। महर्षि कर्दम का भी शरीर दिव्य हो गया, और उन दोनों दंपति को उन परिचारिकाओं ने विमान में बैठाया, और वह विमान महर्षि कर्दम के संकल्प से आकाश में गति करने लगा। उस विमान में ही सब प्रकार की सुख भोग की सामग्रियां थीं, और उन समस्त सुखों का भोग करते हुए 100 वर्षों तक उसी विमान में बैठे बैठे महर्षि कर्दम और देवहूति विचरण करते रहे, और वो विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सतम व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनात्। काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं, और उसी विमान में बैठे बैठे दोनों दंपति विचरण करते रहे। समय आने पर देवहूति अंतर्वत्नी हुई, और उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया, और 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। और 10वें गर्भ के रूप में भगवान जब आए तो देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। स्वयं भगवान ही महर्षि कर्दम के पुत्र बनकर के श्री कपिल के रूप में आए। कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 5वां अवतार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दम वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की जय जयकार की। उसी समय ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इन सब को लेकर के आए। महर्षि कर्दम विचार करने लगे, अब मैं तपस्या करने जाऊं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो घर में बैठी इनका ब्याह कौन करेगा? आप इनका ब्याह कर दो तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी।
तो महर्षि कर्दम ने सोचा अभी 9 बेटियों का विवाह करने में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महात्मा लोग आए हैं ऋषि लोग, इन्हीं के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पुलस्त पुलक क्रतु अंगिरा वशिष्ठ अथर्वण, ये सब महर्षि लोग ब्रह्मा जी के साथ आए थे। उन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये, कला नाम की जो बेटी थी उसका विवाह मरीचि महर्षि के साथ कर दिया। दूसरी बेटी जो अनसूया थी उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा मंगिर से अच्छत, श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भु नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। शांति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ कर दिया। इस प्रकार श्री कर्दम जी ने अपनी बेटियों का विवाह इन महर्षियों के साथ कर दिया। कर्दम जी की बेटी और इन महर्षियों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार।